ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट को बाकी सभी वेरिएंट्स की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इस नए वेरिएंट के लक्षण भी कोरोना के बाकी सभी वेरिएंट की लक्षणों की तरह ही है, जिसमें शामिल है बुखार, खांसी, गले में दर्द, खराश, कमजोरी, थकान और डायरिया। हालांकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, कोविड कफ की कैसे करें पहचान? सूखी खांसी। कोरोना के अधिकतर मरीजों को ड्राई कफ की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह कफ शुरुआत में काफी हल्का होता है, लेकिन समय के साथ बदतर हो जाता है और कई हफ्तों तक रह सकता है। इसके चलते छाती में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कई हफ्तों से कफ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वह कोविड के लक्षण हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराएं और सर्दियों में होने वाले सामान्य कफ में व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती, लेकिन कोरोना संक्रमक होने पर शरीर में एकदम से कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही रोजाना के काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोरोना की वजह से होने वाले कफ के कारण व्यक्ति को रात के समय सोने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और नाक बहना और बुखार। कफ के अलावा कोरोना वायरस के और भी लक्षण हैं, जैसे गले में दर्द, नाक बहना, हल्का या तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत। ये सभी लक्षण शुरुआत में काफी हल्के होते हैं और धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेते हैं। कोरोना के लक्षणों को पता लगाना क्यों जरूरी है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, लेकिन उनके शरीर में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कोरोना का वायरस काफी तेजी से फैलता है और इससे दुनिया भर में काफी भारी संख्या में लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसीलिए जरूरी है कि आप कोरोना के लक्षणों को अनदेखा ना करें। अगर आपको अपने शरीर में कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत टेस्ट करवाएं और खुद को आइसोलेट करें। खैर छोड़िए, पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।